Hi besties, welcome back to my YouTube channel. Get ready with me for the iftar party. अच्छा, ठीक है। तो बेस्टी, सबसे पहले आपने करना क्या है, अपना मुंह धो लेना है और अपनी असलियत सबको दिखानी है, और एक स्पॉन्ज लेना है और उसको अच्छे अच्छे से रगड़ रगड़ के अपना मुंह आपने साफ सुथरा कर लेना है। क्या कोई भी डस्ट या कोई भी पार्टिकल आपके मुंह पे ना रह जाए, बिल्कुल ऐसे ही साफ करना है जैसे मनुष्य लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी से सफाया किया है और आपकी ज़िंदगी हो गई है आपके चेहरे की तरह क्लियर। यहाँ पे सबसे पहले हमने गोल्डन पर्ल ली है। यार मेरा चेहरा ना थोड़ा सा ड्राई है, तो मैं थोड़ा सा ऑयली कर लूँ ताकि पैची पैची स्किन ना रहे। आप भी कोई मॉइस्चराइज़र अच्छा सा या कोई भी ऐसी चीज़ लगा लें जिसके आपके स्किन हो जाए ऑयली। नॉर्मली मैं सिर्फ गोल्डन पर्ल लगाती हूँ, उसको अच्छे से मल लेती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ और यही मेरा होता है। लेकिन वीडियो बनाने के लिए आज मैं थोड़ी सी कोटिंग वोटिंग करूँगी। प्राइमर हो या मॉइस्चराइज़र हो, कुछ भी जो है वो आपने चेहरे पे लगा लेना है ताकि आपके चेहरे पे जो है वो पैचेस वैचेस वगैरह ना बने और ऐसा लगता है स्किन फटी फटी होती है, तो उसको उससे बचाने के लिए आपने सबसे पहले कोई भी ऑयली चीज़, मॉइस्चराइज़र कोई सा भी ले लें, उसको अच्छे से लगा लें। आपने यहाँ पर ज़ोर लगाना है साइड्स पर ये, ताकि यहाँ पर क्रैक्स ना बने। यहाँ पर मेरी आँख में लग गया था, पता नहीं कैसे लगा, लेकिन मैंने उसको साफ़ कर लिया। अच्छे से आपने जो है वो अपने मुंह को रगड़ लेना है ताकि ये थोड़ा सा ऑयली हो जाए। उसके बाद आपने जो है वो लिप्स की साइड पे और नोज़ की साइड पे तो अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना ही करना है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ज़्यादा पैचेस बनते हैं। उसके बाद हमने ये एक फाउंडेशन ले लिया था, पता नहीं कौन सी कंपनी का ये फाउंडेशन है, तो एलोवेरा तो ऊपर लिखा हुआ था, अब मुझे नहीं पता। ठीक है, इसको बाद हमने उल्टे हाथ पे हमने एक बूंद जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल मुआ मेकअप आर्टिस्ट, हमने इसको जो है वो रख लिया था। फिर हमने एक एक टुंका लिया, एक एक ड्रॉप लिया और इसको जो है वो चेहरे पे जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमने इसको बस नॉर्मली ऐसे जो है वो, देखो भाई मुझे जज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ब्रशेस यूज़ नहीं करना आते और ना ही मुझे स्पंजेस यूज़ करना आते हैं और ना ही यार मुझे कोई इतना अच्छा मेकअप करना आता है, तो जितना भी आता है मैंने आपको जो तो वो दिखा दिया है। छोटे छोटे हाथों से जो है वो मैंने अपने पूरे मुंह पे ये जो भी लगाया था ये कोटिंग जो है वो पूरी हमने अच्छे से मल ली है ताकि हम भी थोड़े थोड़े चिट्टे लगें। एट दिस पॉइंट मुझे पता चला है कि अपने हाथों को अपने चेहरे पर किस तरह से इस्तेमाल करना है। No, God, please, no! कैमरे में थोपा थापी करने के बाद हमने जो है वो शीशे में देखा ताकि हम उसको फर्दर मेल्ट कर सकें। मेल्ट नहीं, हमने अच्छे से उसको जो है पूरे चेहरे पे फैला लेना है ताकि कोई भी स्पॉट ना बचे। रुको जरा, सबर करो। देख लो ज़रा, हमने यहाँ पर जो वो एक कोटिंग कर ली है। उसके बाद हमने ये एक पैलेट लिया, पता नहीं कौन सा नाम है इसका पैलेट का, लेकिन इसमें जो है वो बहुत ही सिंपल से और स्मूथ से और बहुत ही लाइट कलर्स के जो है वो शेड्स थे। अब मैंने सोचा इसको जो है वो आँखों के ऊपर लगा लेते हैं, आँखें तो मेरी प्यारी है ही, उसको मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने ये शेड्स लगाए थे। वैसे ये यार इस लाइट में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये थोड़े से शिमरी शिमरी टाइप के हो गए थे, ज़्यादा कलर नहीं आया था, लेकिन ये बिल्कुल थोड़े थोड़े चमकीला चमकीला जो है वो इधर शो हो रहा था। वैसे यार ब्रशेस वगैरह का तो पता नहीं, लेकिन ये हाथों से तो बहुत अच्छा अच्छा ब्लेंड हो रहा था और मेकअप करके तो मुझे और भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे मेकअप करने में और भी मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा कुछ और भी अप्लाई कर लेते हैं ताकि मेरी आंखें और भी प्रोमिनेंट हों। यहाँ पर मैंने लाइनर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। देखो भाई, पता नहीं किस तरह से लाइनर लगा है, ये मैंने एक आंख में लगा लिया, दूसरी आंख में लगाना है, डिफरेंस आप देख सकते हैं। कैमरा ऑफ़ किया और दूसरी आँख में भी अप्लाई करके मैंने ये दिखा दिया है। आईब्रोज मैं अब बनाती नहीं हूँ, तो मैंने थोड़ी सी उसकी सेटिंग वेटिंग कर ली थी वैसे। उसके बाद देखो मैंने कहा चलो लिपस्टिक अप्लाई कर ही लेते हो, इससे ज़्यादा और मेकअप में क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक प्यारे से कलर की, आई डोंट नो क्या नंबर है इसका, मैं दिखाना तो चाह रही थी लेकिन नाकाम कोशिश हो गई थी मेरी, नंबर शो ही नहीं था। और उसके बाद मैंने कहा चलो खैर छोड़ो, होठों पे ही लगानी है, लिपस्टिक ही है, कोई सी भी लगा लो, जो प्यारा है उसने तो हर हालत में ही प्यारा दिखना ही है। यार देखो ज़रा, मैंने ऊपर लगाया, नीचे खुद ही छप गई।
देखो भैया, यहाँ पर हमारी सारी कोटिंग ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। पता नहीं कौन सा ये ग्लोव था, सारे तो ब्रांडेड पड़े हुए हैं लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसके अंदर और एडिशन कर ही लेते हैं। तो मैंने एक एक ड्रॉप लिया, उसको टैप 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 किया और देखो ये इतना शिमरी शिमरी लग रहा था ना। लेकिन ये वाला ग्लॉस यार थोड़ा सा ना हैवी हैवी टाइप का लग रहा था, जैसे कि पता नहीं कितनी को कोटिंग कर दी है मैंने अपने होठों पे। लेकिन लगाओ यार, न्यू ट्रेंड है ये, तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पर मैंने अपना चेहरा देखा ना, तो थोड़ा सा रूखा फीका सा लग रहा था, तो मैंने उसी लिपस्टिक को पकड़ा और एज अ ब्लश के तौर पर यूज कर लिया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चलो भैया, उसके बाद मैंने सोचा जब इतना कोट कर ही लिया है तो एक मस्कारा भी लगा ही लो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहन लो, रहन लो, बहुत बुरे। यहाँ पर तो मैं तैयार हो चुकी थी, मेरी कोटिंग कम्प्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा एक्सेसरीज भी पहन लेती हूँ। यार मुझे तो अपना मेकअप बहुत ही अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर सा लग रहा था। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? एट दिस पॉइंट मैं गेट रेडी विद मी वाली वीडियो के साथ हो गई थी रेडी। एक मुफ्त का काम करते हैं, जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं चली। वाओ, ब्यूटीफुल।